जवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने जो बदसलूकी करी है, उनको घसीटा गया, उनको रगड़ा गया जिस तरह से, तो उसके प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उन पे मुकदमे दर्ज किए हैं, जो उन मुकदमों को वापस लिया जाए, जिन अधिकारियों ने पहलवानों से बदसलूकी की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मुख्य मांग है इसमें। और उनका जो टेंट उखाड़ा, जो धरना उठाया है, उसको दोबारा से वहाँ पे लगने दिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और सही सबसे बड़ी मांग तो आप सबको पता है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करो, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, सरकार उसको बचा रही है, वो कारस्तानियां कर रहा है, माइनर गर्ल को मेजर गर्ल बनाने के लिए वो लोगों को खरीद रहा है, वो अधिकारियों को खरीद रहा है, तो इसलिए उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ये मांगे अगर आज सरकार मान ले तो आज, और नहीं तो 5 तारीख को जो है फिर पूरे देश में, आज तो जिलों पे हुआ है प्रदर्शन, फिर गांव और नुक्कड़ चौराहों पे होगा। ये सोचते हैं कि भाई जो मोबिलाइजेशन होनी थी दिल्ली में लाखों लोगों की, इन्होंने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उनकी गाड़ियों को रोक लिया, रास्ते रोक दिए, इससे ये सोचते हैं कि ये आंदोलन विफल हो जाएगा, ये इनकी भूल है। ये सब तानाशाहीपूर्ण जो तरीके हैं, इनको जनता कभी भी सफल नहीं होने देगी। और आने वाले दिनों में जनता भी जो है वो अपनी रणनीति बनाएगी, इस तरह की जो साजिशें हैं दिल्ली पुलिस की या दूसरी पुलिस की, उनको किस तरह से उसका मुकाबला किया जाए वो सब सुनिश्चित करते हुए, और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तक ये आंदोलन जो है ये जारी रहेगा। फिलहाल हम मांग करते हैं कि पहलवानों पे बनाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं, उनका धरना जो है वो दोबारा से लगने दिया जाए, और जिसने भी उनके साथ बदसलूकियां की हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। प्रधान के पीछे तो यार मान जाना चाहिए। अपन जो है सुनो, महाराज अपने राष्ट्रपति का नाम जो इस देश बसा दो, हमारे 24,000 कड़े है वर्ग ये जो 24 करोड़ ऐसे है वो पैसे अभी हमारे फाइल है।